एम विकास कुमार. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर नेक्स्ट चैप्टर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. जैसे कि नाम से मालूम है काउंटेबल यानी कि काउंट, काउंट से काउंटेबल बना है जिसका अर्थ होता है गिनना. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन? द नाउन विच कैन बी काउंट इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन. वैसा नाउन जिसको हम काउंट कर सके, काउंट मीन्स गिन सके, 1, 2, 3, 4 ठीक है ना, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल में काउ, बुक, मैन. काउ को भी हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 करके, बुक को भी काउंट कर सकते हैं और मैन को भी काउंट कर सकते हैं. यानी कि वैसा नाउन जिसको हम गिन सके, काउंट कर सके, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. सेकेंड जो हमारा है अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको न गिना जा सके. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन. यानी वैसा नाउन जिसको हम काउंट यानी नहीं गिन सके, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल ऑयल, वाटर, राइस. ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं और राइस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं. सिंपल सा लैंग्वेज में समझें तो जितने भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वे सारी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं और उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. यहाँ पे राइस, अगर थोड़ा हम राइस लें, कुछ बच्चे में जिज्ञासा होती है कि सर अगर हम थोड़ा सा राइस लें तो उसको तो हम गिन सकते हैं. बिल्कुल उसको हम गिन सकते हैं लेकिन वो काउंटेबल नाउन नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा ही राइस को गिनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और ज़्यादा समय जिस चीज़ में लगे वह कभी भी काउंटेबल नहीं होता है. ठीक है, तो वैसा नाउन जिसको हम नहीं गिन सके उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. यहाँ पर बच्चों आप लोगों को यही करना है कि कुछ मैंने होमवर्क दिया है, इसको अपने अपने आप कॉपी में लिखना है और चूज करना है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है. इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू.